तो वो जब तक प्रत्यक्ष नहीं होंगे तब तक दूसरे धर्म के लोग मानेंगे ही नहीं। वो सूक्ष्म बीज हैं। हाँ जी, वो सूक्ष्म नहीं आए। वो अभी कहाँ, वो नहीं ऊपर से तो है तो इसी सृष्टि पे। क्राइस्ट कहीं बेगर रूप में होगा, लेकिन वो अभी ज्ञान में तो नहीं आए। ज्ञान में नहीं आए। हाँ, तो जन्म किसमें कौन लेगा? हाँ? आधार मूर्तों में प्रवेश होगा या बीज रूपों में? उनमें बीज रूप आत्मा में प्रवेश करेंगी। जो ऊपर से आने वाले बीज हैं उनके शरीर होंगे। हाँ, उनके हाँ द्वापर नहीं अभी, या अभी। हाँ जी, तो उसमें बीज रूप आत्मा जाके ज्ञान सुनाएगी। हाँ, प्रवेश करेंगी, उनकी बुद्धि को पलटेंगी। और द्वापर में कैसे होगा? द्वापर उल्टा हो जाएगा। वो आधार ये चार हो गए इस्लाम के अभी मेन। हाँ, चार आत्माएं दिखा रहे हैं। हाँ, ऊपर से आने वाला इब्राहिम और नीचे वाला आधार मूर्त और उसका बाप आधार मूर्त को जन्म देने वाला बीज रूप, तो यही तो है सब। ये सब कुछ नहीं ध्यान में नहीं बैठता। नहीं बाबा, चार आत्माएं हो रहे हैं। नहीं, ये झाड़ है ना, झाड़। नहीं बाबा, ये झाड़ झंखाड़ में बुद्धि उलझ जाती है। नहीं, ज्ञान चाहिए। है? कोई जरूरी नहीं, नहीं। ओ, लेकिन जो विदेशी होते हैं उनको झाड़ ही अच्छा लगता है, जो भारतवासी होते हैं उनको सीढ़ी में ज्यादा चिंतन चलता है। नहीं बाबा, त्रिमूर्ति जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गार्डन में जाएंगे, वो एक वो सीढ़ी होती है, ऊपर चढ़ेंगे और चढ़ करके फिर धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। नीचे उतरने में बड़ा मजा आता है उनको। तो ऐसे ही जो भारतवासी होते हैं उनको सीढ़ी बहुत अच्छी लगती है।